मोटर लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने लेवल्स होते हैं? ठीक है, ये हमारा मोटर सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके तीन लेवल्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का लेवल होता है ये, इसके अलावा हमारे पास ये अपर लेवल होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके नीचे वाला जिसको हम सब कॉर्टिकल भी लोअर ब्रेन भी कहते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्टेक्स के दरमियान वाला। स्पाइनल कॉर्ड लेवल, लोअर ब्रेन या सब कॉर्टिकल लेवल, और हमारा कॉर्टिकल लेवल या अपर लेवल। सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड लेवल की बात कर लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड लेवल हमारे लोकल रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है, हमारी वॉकिंग मूवमेंट्स में, हमने हाथ किसी पेन हमारी गर्म चीज जगह पे लग गया है तो वहाँ से हमने हार्ट उठा लिया है। इसके अलावा हम खड़े ग्रेविटी हमें हमारी पुल कर रही है, हमारी लेग्स को स्टिफ कर देती है, उसका भी हमें पता नहीं चलता। वो हमारी GIT में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, हमारी ब्लड वेसल्स का जो कंट्रोल है, और इसके अलावा यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिन हम पास करते हैं, वो ये सब ना स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है। होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन आई यहाँ पे इधर इधर जाने के बाद ऊपर नहीं गई, ऊपर जाने के बाद ऊपर सिर्फ उसकी कॉपी जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इधर आई, वापस आने इधर से ही घूम के वो अपना काम कर दिया, ठीक है। इसका फंक्शन लोकल परफॉर्मेंस होती है। अगर इसका इम्पोर्टेंस क्या होती है कि इसकी जो भी काम हुआ है ना उसकी कॉपी ऊपर ब्रेन तक होती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि अगर हमने पेन हमारे किसी गर्म जगह पे हाथ रख गया है, अगर हम उसको ऊपर ब्रेन तक जाने लग गई इन्फॉर्मेशन, फिर तो हमारा हाथ जलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा हाथ जल गया, मतलब तो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, वो कि लोकल रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड लेवल, ठीक है। अब इस तरह होता है कि अब ये नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड खुद बहुत काम करता रहता है, ऊपर से ना हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कमांड देता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कि तुम इस तरह से काम करो, ठीक है, कमांड करता है, उसकी कॉपी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक हो गया। तो इस तरह वो जैसे मास्टर अपने उसको कमांड करता है ना, इस तरह ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा मास्टर बड़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं सब कॉर्टिकल लेवल की। सब कॉर्टिकल लेवल में ये हमारे पास पड़ा हुआ है मिडिला, ये उभरा हुआ पोर्शन है पीछे सेरिबेलम, सॉरी ये हमारे पास है पॉन्स, ये हमारे पास मिडब्रेन है, ये तीनों पोर्शन हो जाते हैं। मिडब्रेन को मीजन सेफलोन भी कह देते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इसके अलावा पीछे इसमें होते हैं और एमिग्डाला होते हैं, लिम्बिक सिस्टम होता है ये हमारा सारा, ठीक है, ये सारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सबसे बड़ा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये हमारे सब कॉर्टिकल लेवल्स में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे आर्टेरियल प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, इक्विलिब्रियम, हमें नहीं पता, सब कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी आर्टेरियल प्रेशर कैसे कंट्रोल हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं हर वक्त, हमें नहीं पता। इसके अलावा फीडिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे किसी टेस्टी चीज़ को देख के हमारे मुँह में पानी आने लग जाता है और हम होंठ लिक करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये भी सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। इसके अलावा बहुत से इमोशनल पैटर्न जो होते हैं ना वो भी सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं इसी की वजह से, जैसे हमें गुस्सा आ गया है हमें नहीं पता चलता, हमें सबकॉन्शियस लेवल है ना, गुस्सा आ गया, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल अरोजल है, पेन हो गई है उसकी, उसका रिएक्शन, ठीक है, प्लेयर का रिएक्शन सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है सबके। अब जो हायर ब्रेन है ना जिसको हम सब कॉर्टिकल लेवल भी कहते हैं, ये कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। अब क्वेश्चन है कि नीचे वाले ने तो सब कुछ काम कर दिया है, फिर इसका क्या काम है? इसका काम है स्टोर हाउस, मेमोरीज को स्टोर करता है। इसकी कमांड के बगैर ये नीचे वाले भी काम नहीं कर सकते हैं। ये सारा हमारा नर्वस सिस्टम इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वहाँ से बाकी को रिलेट किया जाता है और फिर हमारा काम करता है, ठीक है। अब वेकफुलनेस जो होती है, मतलब मेजर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है ना वो मेमोरी स्टोर करना होता है। और अगर हम बात करें ना वेकफुलनेस, मतलब जागते हैं, वो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से नहीं जागते, दरअसल यहाँ से ना रेटिकुलर फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन जाती है ऊपर, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है और ये हमारे उसको यहाँ लोअर यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे और वो जाके करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट, और इस तरह हमारी वेकफुलनेस की कंडीशन होती है, ठीक है। मेजर जो स्टोर हाउस का इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है।